अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। तो आज का व्लॉग डिपार्टमेंट के बाहर से स्टार्ट करें। एक्चुअली मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बोला भी नहीं जा रहा सही से। इतनी टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं और 4 बजे हमारा पेपर स्टार्ट होगा। पीएस वालों के पेपर जो है वो ख़त्म हो गए और मास्टर वालों के स्टार्ट हो गए। तो आज जो है फर्स्ट एग्ज़ाम है। काम शाम होने वाली है बिल्कुल। और ना मंडे का ट्यूशन प्रैक्टिस का बैठो, मैं तो इधर ही बैठ रही हूँ, कोई और जगह ही नहीं है बैठने की। पेपर रिवाइज कर लो। अच्छा, आज ना हमारा अकाउंटिंग का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि फर्स्ट एग्ज़ाम है, तो अभी काफ़ी टाइम रहता था हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने ना कुछ चीज़ें रिवाइज कर ली हैं और कुछ रहते हैं। हमारे 7 चैप्टर्स थे टोटल अकाउंटिंग के। और हाँ, और इस बंदी से मिले, इसने बिना कोई लेक्चर लिए ये पेपर देने के लिए आई है। ऐसा कॉन्फिडेंस ज़िंदगी में चाहिए बस, है ना। हाँ जी, ये हमारी असाइनमेंट है जो कि हमने सबमिट करानी है मैम को। लोग पेपर शेपर डिस्कस कर रहे हैं और ये रूम हमें फ्री मिला था, हमने कहा चलो इधर बैठ जाते हैं ना थोड़ी देर। और गला इतना ख़राब है, पेपर्स में तबीयत नहीं ख़राब होनी चाहिए, बड़ा अपना बंदे के साथ बैठ सीन हो जाता है। मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई, मतलब कि मेरा गला ही ख़राब हो गया और ना मुझे सही से बोला भी नहीं जा रहा। मेरी आवाज़ अब सुनने में शायद इतनी अजीब ना लग रही हो, लेकिन इरीटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है गले में ना, तो बस अजीब सा बना हुआ है। लेकिन खैर, अल्लाह करे मेरा अच्छा सा पेपर हो जाए। अकाउंटिंग हमने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ी, लेकिन अब हम अकाउंटिंग को इतना पढ़े, इतना पढ़े ना हद से ज़्यादा। ये चेक डिपॉजिट के बचा जनरल जनरल और आज हमारे अकाउंटिंग का एग्ज़ाम है और टाइम कुछ 3:30 होने वाले हैं शायद। और आप लोगों से ये सारे मेरे नोट्स हैं और मैंने इनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की है, और मैं चाहती हूँ मेरा अच्छा पेपर हो जाए। और डिपार्टमेंट चेंज हुआ है ऑब्वियसली, तो चीज़ें भी चेंज हुई हैं। और सारे कॉन्सेप्ट तो वैसे क्लियर है, तो उर्दू में पेपर दे सकते हैं। पूछ रही हो, बता रही हो? बता रही हूँ, नहीं पूछ रही हो। अगर मैं उर्दू में पेपर करूँ कॉन्सेप्ट बेस, नंबर आ जाएंगे? ये तो मैम ही बताएंगी, बॉस लगे होंगे सारे, या तो सारी टिक्की लगी। हाँ, जिस रूम में हमारा एग्जाम होना था ना, मुझे पहले कभी डर नहीं लगा, लेकिन अब मुझे जो है ना लिटरली बड़ा ये अजीब किस्म का डर लग रहा है। चलते हैं, यही है। बताओ कैसा पेपर हुआ तुम्हारा, बताओ। पेपर अच्छा हो गया। हाँ, मतलब सारे क्वेश्चन आते थे। फाइनली वी आर डन विद अवर एग्ज़ाम और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पेपर हुआ है हमारा, मतलब कि सारे क्वेश्चन हमें आते थे। लिटरली मुझे ना पहले थोड़ा डर लग रहा था पेपर स्टार्ट होने से पहले, कि भाई अपने एग्रीकल्चर में तो बड़े सुकून माहौल होता था, टेंशन नहीं होती थी, लेकिन इधर क्योंकि डिपार्टमेंट चेंज हुआ था, चीज़ें चेंज हुई थी, तो मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं मेरा पेपर कैसा होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन था ना उसमें मेरे, मतलब कि वो सारी अकाउंटिंग जाहिर सी बात है मैथ के क्वेश्चन टाइप ही होते हैं। अच्छा, मेरे ना 0 हमेशा आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो जो न्यूमेरिकल आया था ना, मैंने उसको कोई इतनी बार मैंने उसको सॉल्व किया ना कि कहीं मेरे आगे पीछे 0 ना हो जाए, लेकिन मेरा आंसर सही आया। खैर, शाम हो गई है, कल भी पेपर है, कल संडे है, कल भी पेपर है, आज सैटरडे था और अभी भी पेपर ख़त्म हुआ है। तो खैर, वैसे पहले भी हम पेपर देते थे संडे को। क्यों यार, मेरा भी चाय पीने का दिल चाह रहा है, ये लोग चाय पी रहे हैं, मेरा भी उनको देख के दिल कर रहा है, लेकिन अब घर जा के पियेंगे बस। अब बस शाम हो गई है, फिर शाम होती है ना फिर मुझे डर लगने लगता है, मेरा दिल चाहता है बस मैं जल्दी अपने घर चली जाऊँ। खैर, अब क्या करें, टाइमिंग्स इतनी अजीब है, अभी भी पेपर ख़त्म हुआ, अभी भी इतने सारे लोग पेपर कर रहे हैं, हम पहले पेपर दे के आ गए हैं। अभी ये राइट वाली बंदी कह रही थी मुझे नहीं पता कि हमारी तैयारी अच्छी थी या पेपर आसान था, तो मुझे तो ये लग रहा है कि हमारी तैयारी अच्छी थी, क्योंकि पेपर अभी भी बहुत सारे लोग बैठे हुए कर रहे हैं, हमारी अपनी क्लास के लोग बहुत सारे कर रहे हैं। हम तो शटल नहीं मिली हमें, हम पैदल आए हैं और शाम हो गई है, मतलब अपने डिपार्टमेंट से एमसी आते आते हमें फुल अंधेरा हो गया, मगरिब के जाने हो रही हैं, मतलब इस टाइम टाइमिंग इश्यूज, इस टाइम पे हमारे पेपर होते हैं। खैर, क्या करें, अभी पॉइंट भी नहीं आया, हमारा पॉइंट ही नहीं आ रहा, वो अंकल भी बंद कर दिया, मुझे लगता है 6 बजे जाएगा ये।
हम फजूल में खड़े हैं अभी, इतना टाइम रहता है, 6 बजे अंधेरा हो जाएगा फुल ना, कोई कपकेक उठाओ, मैं ही तो कह रही हूं, फिर चल के जाएंगे इतना ज्यादा। बेवफा लोग मुझे छोड़ के चले गए, बेवफा यार, ये सॉन्ग भी था ना, बेवफा 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 निकली है तू। हाँ तो मैं सॉन्ग डेडिकेट करी हूँ, मैं स्टेटस लगाऊंगी। क्यों, मैंने क्या किया? तुम भी रास्ते में मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दी। आओ यार कुछ मीठा ना, हम कैंटीन पे जा रहे हैं खाना, कुछ कुछ मीठा हो जाए यार, अकाउंटिंग का पेपर अच्छा हुआ इस खुशी में, कुछ मीठा हो जाए। वैसे शुगर लेवल लो जाता है। चलो अभी पॉइंट आने में टाइम है ना, नहीं तो कोई बात नहीं, खैर अभी पॉइंट आने में ना काफ़ी टाइम रहता है, तो हमने सोचा हम कुछ ले लेते हैं, अभी इधर खड़े होकर इंतजार भी तो करना ही है। खैर ये ना अच्छा देखो कैमरे में देखना, अंधेरा लग ही नहीं रहा, और देखो कितना अंधेरा है, और मगरिब की अजान, मगरिब के मैंने ब्राइटनेस फुल वो की हुई है, शायद इस वजह से अंधेरा नहीं लग रहा, अंधेरा तो इतना ज़्यादा हो गया। अच्छा खैर ये पता नहीं कैसे, मैं आज तक जिंदगी में इधर इस किसी हॉट में जा के नहीं बैठी, मतलब कभी भी नहीं बैठी मैं, मतलब अजीब लगता है यार। मुझे बड़ी अच्छी लगी, 4 साल गुजारे हैं, मेरा रिकॉर्ड है, मेरी पहले वाली फ्रेंड्स होती थी ना हमारा, तब भी रिकॉर्ड होता था, हम कभी इधर नहीं बैठे थे, मतलब किसी और के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ, और गर्ल्स भी हम कभी नहीं बैठे, कब इधर भी हम गर्ल्स हॉल जो है ना उधर हम चले जाते हैं, लेकिन कभी भी बाहर नहीं बैठे। बाकी अंधेरा लग रहा है, अब अंधेरा लग रहा है यूनिवर्सिटी में, ऐसा अंधेरा कभी भी नहीं हुआ, लाइट्स ऑन। अच्छा हाँ वहाँ पे लाइट्स ऑन है उस साइड पे, दिन में तो लाइट्स ऑन। राइट वाली बंदी ये बताओ तुम्हें चाय पी के कैसा लगा? चाय पी के बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे कहने मैंने चाय पी, थैंक यू सो मच। चाय बड़ी जबरदस्त थी, एमसी की चाय बहुत बहुत आला थी, मतलब मज़ा आ गया। पहली दफा आज नहीं, पहले हाँ मैंने पहले पी थी जब भी अच्छी थी, और जिस दिन मैंने इसको कहा कि पीते उस दिन अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ लेकिन आज अच्छी थी, और फुल अंधेरा हो गया, पॉइंट ही नहीं आ रहा यार, डर लग रहा है। मैंने इतना लेट कभी भी यूनिवर्सिटी में पॉइंट नहीं लिया, मतलब मुझे ना लिटरली मुझे डर लग रहा है कि मैं अपने घर चली जाऊँ, मगरिब के बाद बहुत अजीब सी ना वो होता है। बस अब अच्छा हुआ है पेपर, अब क्या डिस्कस करना है। हाँ ऑल ऑफ अबव, मुझे लग रहा है मेरे सारे एमसीक्यूज ठीक है, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है, जब पेपर आएगा ना जब ही पता चलेगा। मुझे एक आधे में डाउट है, मुझे ना मुझे डर लग रहा है, मुझे अपने घर जाना है, मगरिब के टाइम पर बंदा बाहर रहे ना, क्या मैं यहाँ पे खाली एमसी, ऐसे लग रहा है हॉन्टेड हाउस हो, देखना कैमरे में देखो, कैमरे में देखो, ऐसे लग रहा है हॉन्टेड हाउस की वीडियो कैप्चर कर रही हूँ, लिटरली ऐसा ही लग रहा है। खैर मेरा जितना गला खराब था मैंने उतना बोल 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 के मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए, मैंने सोचा था आज ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है तो ब्लॉग बनाना तो बनता था। हाँ आज के दिन में अच्छी थी चीज़ थी अकाउंटिंग का पेपर अच्छा होना, और दूसरी अच्छी चीज़ थी बिरयानी, और तीसरी अच्छी चीज़ थी चाय है ना। यस आज का दिन काफ़ी अच्छा था, एक तो अकाउंटिंग का पेपर अच्छा हुआ, फिर बिरयानी भी बहुत अच्छी थी, फिर चाय भी अच्छी थी। खैर आज का व्लॉग हम इधर ही ख़त्म कर देते हैं, ये हॉन्टेड हाउस आप लोग भी देख के आप लोग भी डर जाएंगे, ये हॉन्टेड हाउस लग रहा है। चलिए खैर सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन गिव अ बिग थम्स अप। ये मेरी एक बंदी, इससे भी सेम पॉइंट लेना है, मैंने भी सेम पॉइंट लेना है, एक ये खड़ी है और एक मैं हूँ, 3 लोग हम हैं, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है, मैं चाह रही हूँ बस मैं अपने घर चली जाऊँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। रफ़ी कमर का पॉइंट है। विंडो सीट चाहिए। कैसे भागी हूँ यार, मैंने विंडो सीट लेनी है, मैं इसलिए तो बैठी हूँ।